अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है। आज की वीडियो फ्री स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, यानी कि हमारे वो बहन भाई जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके घर के जो अखराजात हैं उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, को अपनी यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंस को पूरा कर सकें और अपनी आगे की तालीम को कंटिन्यू कर सकें। तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा कि कौन सी स्कॉलरशिप आई है, इसके ज़रिए आप कितने पैसे हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। मुकम्मल तफसीलात मैं आज आपके साथ इसमें शेयर करूंगा। तो वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी मज़ीद नई इन्फॉर्मेटिव स्कॉलरशिप के रिलेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये PPL यानी कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉरपोरेशन एक अदारा है गवर्नमेंट का, जो कि ये स्कॉलरशिप को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, एक ये स्कॉलरशिप चल रही है रिसेंटली, जो कि इसका नाम है पाकिस्तान टैलेंट ओलंपिक स्कॉलरशिप। ये इंटरमीडिएट की स्कॉलरशिप्स के लिए, इनके जो FA FSC या ICS के स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई करके 3.5 लाख तक की स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने FSC कंप्लीट कर लिया और आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले रहे हैं तो आप इस एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिस पर आप मुकम्मल तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको पर्सनली मशवरा दूंगा कि आप अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए लाजमी से अप्लाई करें। इसमें आगे 4 साल तक का जितना भी आपके ड्यूज और खर्चे वगैरह हैं वो तमाम गवर्नमेंट उठाएगी। तो अब शुरू करते हैं कि आज की स्कॉलरशिप किस लोगों के लिए है। दोस्तों, ये PPL की जो स्कॉलरशिप है इसमें लिखा गया टू प्रमोट एजुकेशन इन द एरिया ऑफ ऑपरेशनल फील्ड, यानी कि ये इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो बलोचिस्तान के लोग हैं। ये बलोचिस्तान के लोगों के लिए स्कॉलरशिप है, जिन्होंने यानी कि कॉलेज कंप्लीट कर लिया और वो आगे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहते हैं। इसमें मास्टर लेवल तक लेके बैचलर की डिग्री आई थी, इनके बैचलर से मास्टर लेवल की डिग्री है। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस के स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहते हैं बलोचिस्तान की, वो इसमें अप्लाई करें। उनके मुकम्मल एक्सपेंसिस जो है वो ये स्कॉलरशिप वाले उठाएंगे। इसमें पॉइंट 1 पर लिखा गया PPL स्कॉलरशिप फास्ट हायर एजुकेशन फास्ट स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगाटी बलोचिस्तान। और इसमें डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें कौन कौन से एरिया हैं। और अब बात आती है कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए इसमें नीचे लिंक दिया गया है www.ppl.com। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसी एक विंडो आ जाएगी। मैंने इस पर लॉगिन कर लिया है, लेकिन आपको ये बोलेगा कि आप इस पर अपना अकाउंट बनाएं। तो सिंपली आप क्रिएट अकाउंट पर जाकर अपना अकाउंट बनाएंगे। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का नोटिस आएगा। इस पर लिखा गया है डोमिसाइल रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगाटी, डेरा कश्मोर, तहसील गुजर खान, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, डिस्ट्रिक्ट कंबल, उसके बाद शाहकोट, डिस्ट्रिक्ट सांगा राय, डिस्ट्रिक्ट चकवाल, यूनियन कौंसल दकनेर और चाप, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट अटल। ये तमाम इस डिस्ट्रिक्ट के जिनके पास डोमिसाइल हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए आपने जो लास्ट एग्जामिनेशन कॉलेज का पास किया है। इसके बाद एज अर्ली स्टेज ऑफ द डिग्री प्रोग्राम प्रेफरेबल फर्स्ट ईयर, इनके जो इनकी पहले साल की जो डिग्री होगी वो प्रेफर की जाएगी। इनको अपना न्यू एडमिशन लिया है इस साल। आपकी एज जो लिमिट है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होगा। ये चीज़ें देखने के बाद ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको HEC से रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये प्रोग्राम में आपको मदद करेंगी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन के लिए अगले 2 साल के लिए। अब बात आती है इस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। इसमें इस तरह का इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि ऑनलाइन ही आपको सबमिट करवाना है। इस पर आप अपना नेम लिखेंगे, एक्सपर्ट में अपना नेम लिख देता हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप कुछ भी सिलेक्ट करके, अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे आपका इस रीजन में कौन सा डोमिसाइल है, यानी कि आप ये डोमिसाइल सेलेक्ट करने के बाद अपनी डेट ऑफ यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ, आप जिस शहर में पैदा हुए हैं, अपना ID कार्ड का नंबर, फादर का नेम, उसके बाद अपने गार्डियन का प्रोफेशन क्या, वो क्या काम करते हैं, उनकी मंथली इनकम कितनी है, आप वो भी यहाँ पे पुट कर देंगे, लेट्स सपोज कुछ भी है। इसके बाद आपका घर का एड्रेस क्या वो लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर देंगे आप यहाँ पे। अपना फ़ोन नंबर देने के बाद अगर आपकी ईमेल है तो आप अपनी ईमेल दे देंगे। ये सब कुछ करने के बाद आप अगर तो किसी डू यू हैव रिलेटिव हु हैव अवेल, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार जो कि स्कॉलरशिप को ऑलरेडी ले रहा है, तो आप येस या नो पर टिक कर देंगे। इसके बाद बात आती है आपकी अकेडमिक इन्फॉर्मेशन की। इसमें आपने बताना कि आपकी FSC में लास्ट टाइम कितने मार्क्स आए हैं या ICS जो भी आपने लास्ट टाइम अपनी स्टडी के पास किया वो। उसके बाद अपनी मार्कशीट की आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे और अपने सर्टिफिकेट की तस्वीर यहाँ से अपलोड करेंगे लेके। उसके बाद आता है बैचलर की, अगर आपकी बैचलर की डिग्री आई है कि आपका कोई फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है या सेकंड सेमेस्टर चल रहा है तो आप किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उसका आपका CGPA क्या जा रहा है, नंबर वगैरह, उसकी तमाम चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। मास्टर की अगर आपकी तालीम है तो वो लिखने के बाद आप अपनी करंट अकेडमिक स्टेटस बताएंगे कि आप किसी जगह से पढ़ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं उन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के। ये बताने के बाद आप सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाएंगे पिक्स में।
यहाँ पे आप अपने वाल साहब के आईडी कार्ड की पिक करेंगे, अपनी एविडेंस ऑफ योर एडमिशन इंस्टीट्यूशन की, आपने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया उसकी पिक करेंगे, अपना डोमिसाइल करेंगे और फिर डिपॉजिट करने के बाद आप यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर ये क्लिक करके आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है, जिसमें कि मैंने मुकम्मल तफसीलात के साथ बताया कि इसमें कौन कौन से लोग इनके बलोचिस्तान के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। शुक्रिया।